गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCET ऑफ दिल्ली की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2, जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट इज इसकी 1 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपने क्लास की जगह नेम लिखिए। इंस्ट्रक्शन है आपको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1-6 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो 2 मार्क्स हाँ सबके हैं। क्वेश्चन नंबर 7-8 3 मार्क्स के एंड 5 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, वट आर इट्स मेन सोर्सेज। तो कौन सा विटामिन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में? तो आप इसका आंसर करेंगे विटामिन डी। इट्स मेन सोर्सेज आर मिल्क, बटर, एक्सपोजर टू सनलाइट। तो ये आपका हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प्स इन कीपिंग टीथ एंड जर्म्स हेल्थी। कौन सा विटामिन है जो टीथ और जर्म्स को हेल्दी बनाता है और उसके मेन सोर्सेज क्या हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे विटामिन सी, और इसके मेन सोर्सेज हैं लेमन, ऑरेंज, आंवला, गवावा एंड टमाटो। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच मिनरल्स हेल्प इन मेकिंग ब्लड इन आवर बॉडी। कौन सा मिनरल है जो हमारी ब्लड बॉडी में बनाने में हेल्प करता है और उसके मेन सोर्सेज क्या हैं उस मिनरल के? तो आप इसका आंसर करेंगे आयरन। मिनरल्स हेल्प इन मेकिंग बॉडी इन द मेकिंग ब्लड इन द बॉडी। इट्स मेन सोर्सेज आर लिवर, मीट, ग्रीन वेजिटेबल। सो जो आयरन मिनरल है वो ब्लड बनाने में हेल्प करता है और इसके मेन सोर्सेज हैं लीवर, मीट और ग्रीन वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच आर द मटीरियल मिनरल्स प्रेजेंट इन मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। तो कौन कौन से मिनरल्स हैं जो मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं और उनके मेन फंक्शन बताने हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर प्रेजेंट इन कैल्शियम मिनरल। इनमें कैल्शियम मिनरल और उसका मेन फंक्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ टू अ क्लॉट। तो ये बोन्स और टीथ को बनाने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द विटामिन दैट अवर बॉडी प्रिपेयर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमारी बॉडी सनलाइट के प्रेजेंस में तो वो विटामिन डी हो जाएगा और हमारे जर्म्स को हेल्दी रखता है। तो आप इसका आंसर करेंगे विटामिन डी ए का हो जाएगा, विटामिन सी आपका बी का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी, व्हाट आर द मेन रोल ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में वाटर का मेन रोल बताइए। तो आप इसका आंसर करेंगे वाटर नेचुरली वर्क्स टू मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर इन आवर बॉडी। वाटर नेचुरली वर्क करता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। वाटर हेल्प्स टू फ्लश आउट इम्प्योरिटीज़। जो वाटर है वो हेल्प करता है कि हम अपनी इम्प्योरिटीज़ को फ्लश आउट कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 है, कम्प्लीट द टेबल। या आपको टेबल कम्प्लीट करनी है। इसमें आपको डैश बताने, सोर्सेज बताने और डेफिशिएंसी डिसीज बताने हैं। 3 मार्क्स का है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा विटामिन मिनरल, तो या विटामिन डी, तो ये आपका हो जाएगा। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है एक्सपोजर टू मिल्क, बटर, मलाइट। तो सबसे पहले विटामिन या मिनरल आपका विटामिन डी हो जाएगा। फिर आप इसका सोर्स लिखेंगे एक्सपोजर टू मिल्क और बटर लाइट, और डेफिशिएंसी डिसीज़ इसकी रिकेट हो जाएगी। फिर आपको सेकेंड दे रखा है आयरन। आयरन का सोर्स हमारा हो जाएगा लीवर, मीट और ग्रीन वेजिटेबल्स, और इसके डिसीज़ क्या होती है? अनीमिया। फिर है थर्ड आपको बताना है विटामिन या मिनरल बताना है। तो थर्ड हमारा विटामिन सी हो जाएगा। इसका सोर्स है ऑरेंज, गवावा और लेमन, और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाएगी आपकी स्कर्वी। तो ये तीनों टेबल आप अच्छे से कर लेंगे। मैं आपको एक बार रिपीट में दिखा दे रही हूँ। तो ये तीनों टेबल आप अच्छे से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये 5 मार्क्स का है आपका। फर्स्ट है, नेम द मिनरल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। तो कौन सा मिनरल है जो हमारी बोन्स को, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है? आपको विटामिन ए के सोर्सेज, 2 सोर्सेज भी बताने हैं। तो फर्स्ट का आपका कैल्शियम हो जाएगा। सेकेंड है, नेम 2 सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के 2 सोर्सेज बताइए। तो कैरेट एंड मैंगो जो हैं वो विटामिन ए के 2 सोर्सेज हो जाएंगे। फिर सी आपका, मिनरल्स फाउंड इन सी फूड। सी फूड में कोई 3 मिनरल जो आपको मिनरल्स फाउंड होते हैं वो आपको बताना है। तो आप इसमें करेंगे आयोडीन। डी आपको पूछा गया है, टू गेट रिड ऑफ कंस्टिपेशन ऑफ वी शुड ईट। तो कंस्टिपेशन हमें रिड हटानी है, तो हमें क्या खाना चाहिए? हमें खाना चाहिए फाइबर, पल्सेस और सलाद। फिर ई आपका, मिल्क डज नॉट कंटेन विटामिन। जो मिल्क है वो क्या कंटेन नहीं करता? विटामिन सी। तो विटामिन सी वो कंटेन नहीं करता। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप 1 सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं।
आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।